का सीना छलनी कर दिया। तूने जनसंख्या बढ़ा ली, लालची होकर बड़े बड़े आवास बनाकर खेती की जमीन को हड़प लिया, लोगों को बसाने के लिए पेड़ों का संहार किया, शहरीकरण का विस्तार किया और गांवों का नामो निशान मिटा दिया, खेतों में रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जिससे धरती सूख गई, सूखे खेतों में पानी देने के लिए नदियों और धरती से जल खींच कर भूजल को सुखा दिया। मानव, तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई, तू इतना क्रूर कैसे हो गया? मानव, तू इतना क्रूर कैसे हो गया? तू इतना क्रूर कैसे हो गया? अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो देख मानव, देख तेरे संसार में क्या क्या हो रहा है। हर मनुष्य प्रलय की ओर बढ़ रहा है, प्रलय की ओर। सुनते हो जी, आज का तापमान 44 डिग्री है, दूर दूर तक वर्षा का अता पता तक नहीं। ओफो, कितनी गर्मी है, मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं क्या करूं? हाँ, जंगल वृक्ष सब कट गए तो वर्षा कहाँ से होगी? तापमान तो बढ़ेगा ही ना, हमारे कुकर्मों की सजा तो हमें ही भुगतनी पड़ेगी ना। माँ, पड़ोस वाली आंटी कह रही थी 2 दिन तक घर में पानी नहीं आएगा। 2 दिन? हे भगवान, मैंने एक बाल्टी पानी नहीं भरा, घर में एक बूंद पानी तक नहीं, अब हम क्या करें? कहा था ना मैंने, नहाते समय शावर का नहीं बाल्टी में पानी भर के नहाओ, बगीचे में पाइप का नहीं मग का इस्तेमाल करो। सब ने पानी की मोटर चला चला कर भूजल को भी खत्म कर दिया। अब सोचो, ना वर्षा ना भूजल तो अन्न कहाँ से उत्पन्न होगा? आखिर भुखमरी की ही स्थिति आने वाली है। अब भुगतो और अनुमान लगाओ कि 10 साल बाद किस प्रकार मानव पानी के लिए त्राही त्राही मचाएगा। मानव पानी के लिए त्राही त्राही मचाएगा, त्राही त्राही मचाएगा। कैसे हो कृष्णलाल जी, खेती बाड़ी सब सही है ना? क्या कहूँ, इस बार भी अच्छी फसल नहीं हुई, क्या खिलाऊंगा परिवार को, कैसे करूंगा उनका गुजारा? कैसे उगेगी फसल कृष्णलाल जी, आपने तो अपने खेतों में रासायनिक खाद डाल कर मिट्टी को बंजर बना दिया। सब यही करेंगे तो सोचिए, अगर भविष्य में अनाज उगेगा ही नहीं तो भूखे ही तो मरना पड़ेगा ना। अनाज के बिना भूखे मरना पड़ेगा। अरे महेश, तुम्हारे बेटे का क्या हाल है अब? क्या कहूँ मित्र, मेरे बेटे के रिपोर्ट में गले का कैंसर बताया गया है। मैंने तो उसे गांव से शहर नौकरी के लिए भेजा था, पर ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा? तो देखा दोस्तों, शहरों में रहने की चाह ने शहरों का विस्तार तो कर दिया, पर नॉन हेल्थी लाइफस्टाइल, ई वेस्ट और प्लास्टिक के कचरे ने कभी ना ठीक होने वाली बीमारियों से हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। तो देखा मानव, इस संसार का हर व्यक्ति परेशान है। परेशान। क्यों मानव, मुझ पर इतना कहर ढाके, तुम खुश तो बहुत होगे ना? हाँ, तुम खुश तो बहुत होगे ना। नहीं, हम मानव शर्मिंदा है, बस खुट खुट कर जिंदा है। हमने स्वार्थ को अपनाया और धरती माता को बहुत नुकसान पहुंचाया, जीवन जी का जंजाल हो गया, हमें अब गलती का एहसास हो गया। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो मानव, अब इस समस्या का समाधान भी तुम्हें ही निकालना होगा। समाधान जरूर निकालना होगा। हाँ, अब समय आ गया है सबकी सोच को जगाना होगा, प्रकृति को सम्मान देना होगा और हरियाली को वापस लाना होगा। सुनो भाई सुनो। हमारी मौजूदा सरकार पहले से ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, कईयों को जागृत कर चुकी है। हमें भी बताओ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी SDG 12 के तहत भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन लाइफ, ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन राइजिंग और मिष्टी जैसे अभियानों की शुरुआत की गई है। पर तो क्या इसके
उनके लिए सरकार द्वारा अकेले का कदम उठाना काफी है? नहीं, सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति हर समुदाय भी यदि काम करेगा तो हम किसी भी विपदा से निपट सकते हैं। पर कैसे? इसके लिए हम सभी को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। क्या बदलाव लाना होगा? इस वसुंधरा की पुनर्स्थापना के लिए सबको प्रण लेना होगा। एक बार इस धरती के लिए हमें भी विश्वकर्मा बनना होगा। पेड़ों को लगाना होगा, वनों को फिर से बसाना होगा, तभी तो मृदा स्थिर होगी। मिट्टी के कटाव को रोकना है, वर्षा को बुलाना है, धरती पर हरियाली को बिछाना है, मरुस्थल पर काबू पाना है। फसल चक्र, जैविक खेती और मंचिंग जैसे कृषि पद्धतियों को अपनाना है। वर्षा जल संचयन करना है, जल पुनर्चक्रण, कुशल सिंचाई, तालाबों का निर्माण करना है और अमृत सरोवरों को अपनाना है। कम पानी की फसलों को उगाना है, सूखा आपदा से निपटना है। धरती माता, हम संकल्प लेते हैं कि अब ना होगा तुम्हारा अपमान, सब करेंगे तुम्हारा सम्मान। भूमि की होगी अलग पहचान, सब होंगे तुम पर कुर्बान। सबको साथ में लेना है, धरती माता तुम्हारा कर्ज चुकाना है। तो मित्रों, इस वसुंधरा की पुनर्स्थापना के लिए सबको प्राण लेना होगा। एक बार इस धरती के लिए हमें भी विश्वकर्मा।